नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज की रात अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की दिवाली है। भारत के कदम बस चांद पर पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही घंटों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 2 पहुंचेगा। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस लम्हे के लिए टकटकी लगाए बैठी है जब चांद भारत की मुट्ठी में होगा। आज पूरी दुनिया की नजर चांद के एक बिंदु पर जाकर टिक गई है। यह बिंदु ही वो जगह है जहां मिशन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंड करेगा और फिर प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर जानकारियां जुटाएगा। चांद पर इससे पहले भी अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा सका। इसीलिए चांद पर 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग का मून वॉक मील का पत्थर है। तो आज जब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होगी तो भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का मतलब होगा चांद की नई संभावनाओं का पता लगना। दक्षिणी ध्रुव पर पानी, बर्फ और हीलियम 3 मिलने की संभावना है और चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर वहां रहकर रहस्य की कई परतों को खोलेगा। चांद पर पहुंचने वाले 4 देशों में से सिर्फ 3 देश चांद की सतह पर रोबोटिक रोवर भेज सकते हैं। चांद पर विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर मैनजानस सी और सिंपिलियस एन नाम के क्रेटर के बीच उतारा जाएगा। लैंडिंग के पहले विक्रम लैंडर में लगे कैमरे उस स्पॉट को स्कैन करेंगे ताकि वहां कोई बाधा हो तो उससे बचा जा सके। गर्व करने वाली एक बात और यह है कि चंद्रयान 2 में एक भी पेलोड विदेशी नहीं है। इसके सभी हिस्से पूरी तरह से स्वदेशी हैं। भारत ने इसके लिए विदेशी मदद या सहयोग लेने से मना कर दिया। और आज हम आपको बहुत विस्तार से चंद्रयान 2 मिशन और भारत की इस उपलब्धि के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए हमने चंद्रयान के गाइड का भी इंतजाम किया है। इस गाइड की भूमिका निभाएंगे मेरे सहयोगी सईद अंसारी। और बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है इसका अपडेट लगातार आपको देंगी मेरी सहयोगी अंजना कश्यप। यानी सारी जानकारी, सारे अपडेट, आपके मतलब की सारी बात सबसे तेज गति से आपके सामने आज तक के जरिए आ पाएगी। पहले चलते हैं अंजना के पास, वो बताएंगी कि आज रात इसरो के हेडक्वार्टर में क्या होने वाला है। आज रात पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को आज तक के साथ क्यों जागते रहना चाहिए। अंजना बताइए हमारे दर्शकों को। इसलिए रोहित क्योंकि आज इसरो के सेंटर में इतिहास रचने वाला है। घड़ी की सुइयां जो जो आगे बढ़ रही हैं वो इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आज यहां से ये तय होगा कि हिंदुस्तान की धमक विश्व के 4 बड़े देशों से भी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। अगर वहां पर पानी के खोज या फिर हीलियम 3 जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आपको पता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनने का पोटेंशियल हीलियम 3 में है, लेकिन मतलब पृथ्वी पर उसकी कमी है, चांद पे, लेकिन अगर वो मिल गया तो एक समझ लीजिए खजाना लगेगा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के साथ। ये हिंदुस्तान को अगर आप देखें इस वक्त तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, तीसरी तरफ पूरे विश्व में अपनी धमक बनाता हुआ कश्मीर में जो हमने किया उसके जरिए, इससे बेहतर टाइमिंग मुझे लगता है रोहित इसकी नहीं हो सकती थी। हाँ ये सच है कि दशकों से हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने 1963 में जब पहला रॉकेट लॉन्च हो रहा था तो साइकिल पर लॉन्च पैड तक ले गए थे, दूसरी बार जब हुआ तो रॉकेट को बैलगाड़ी पर ले गए, लेकिन पैसे की कमी कभी भी दृढ़ संकल्प के रास्ते नहीं आ पाई। और इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान को जाग कर देखना चाहिए कि जब वैज्ञानिक सोच हो, भारत के तिरंगे को चांद तक पहुंचाने की ललक हो, तो कोई भी बाधा, कोई भी कमी रोड़े नहीं आ सकती है। आज हिंदुस्तान को आज तक के साथ इसलिए जगना चाहिए क्योंकि लगातार कवरेज के जरिए हम देशवासियों को बताएंगे कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ये जो नया कीर्तिमान बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाया है। हालांकि रोहित 1:55 वो वक्त है जब विक्रम लैंडर को 90 डिग्री पर धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा और लगभग 5:55 सुबह में वो प्रज्ञान जो रोवर है उसको रोल आउट किया जाएगा। लेकिन धड़कनें बहुत तेज होंगी क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल वक्त है। इसरो के चीफ ने भी कहा है कि जब लैंडिंग होती है ये शायद सबसे टेरिफाइंग मोमेंट, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, यानी भयानक लम्हा होगा। इसलिए नहीं क्योंकि डर बहुत ज्यादा है, हाँ रिस्क है, लेकिन फिर उसके साथ एक जो रोमांच भी जुड़ा होता है क्योंकि कामयाबी के लिए ही हमारे वैज्ञानिकों ने अपना इस तरह से लंबा वक्त बिताया है और
पूरा इंडिजिनसली। आप सोचिए कि रूस ने भी हाथ खड़े कर लिए, खींच लिए कहिए, अमेरिका ने भी एक वक्त पर हाथ खींच लिया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, इससे हमारा आत्मसम्मान या फिर आत्मविश्वास नहीं घटेगा। उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया और आज इस मकाम पर पहुंचा है कि हम वहां पर पहुंचने वाले हैं। बस एक दो लाइन की जानकारी देकर मैं वापस आपके पास जाऊंगी। देखिए, जो ऑर्डिनरी एरोप्लेन है उसकी रफ्तार होती है लगभग 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो चंद्रयान 2 है उसकी रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे। चंद्रमा से 35 किलोमीटर ऊपर की दूरी से ये डिसेंट शुरू होगा। धीरे धीरे स्पीड को जीरो पर ले जाकर जो 4 इंजिन्स हैं उनके जरिए सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, रोमांचक और इसी के साथ क्रिटिकल मोमेंट जिसे हम कहते हैं, महत्वपूर्ण लम्हा होगा। लेकिन इसी के साथ अगर हमने कामयाबी लिख दी तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक ऐसा कीर्तिमान बनाएगा जिसमें सारे मुल्क उसको दिखाने का इंतजाम हमने ग्राफिक्स के जरिए किया, वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए उस पूरी प्रक्रिया का एक टूर कराने के लिए आज सईद अंसारी हमारे दर्शकों के गाइड बनेंगे। और सईद के हवाले अब हम कुछ देर के लिए कर देते हैं अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि सईद उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर और आसान तरीके से ये समझाने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है आज रात, पूरी दुनिया भारत की तरफ और अंतरिक्ष में भारत के इस मिशन मून की तरफ नजर लगाए हुए। सईद। बिल्कुल रोहित, अंजना, कल्पना, चांद को लेकर हमेशा से कल्पनाएं होती रही, चंदा मामा दूर गए, चलो दिलदार चलो, और न जाने क्या क्या, चांद सी महबूबा हो मेरी। लेकिन ये जो दृश्य है ये वो दृश्य है, और ये GSLV-3 बाहुबली हमने इसे नाम दिया है, ये वो रॉकेट है जो चंद्रमा तक पहुंचा है और जिस पर हम खड़े हैं, ये आज तक का स्पेशल डिजाइंड एक व्हीकल है जो हमें इस रॉकेट के साथ उड़ा कर ले जाएगा चांद तक। हम भी जाएंगे आज चांद तक और आपको बताएंगे। तो देखिए, ये रॉकेट क्या है, इस बाहुबली की खासियत क्या है। ये 22 जुलाई को उड़ चुका था, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, जबरदस्त तैयारियां की गई थी, और उसके बाद ये इस समय पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, तीन हिस्सों में से बांटा गया, GSLV रॉकेट से अलग हो गया चंद्रयान 2, और अब ये गया यहां पर। और ये जो आप जाता हुआ देख रहे हैं, अंतरिक्ष से धरती की पहली तस्वीर हमारे पास आई थी। ये धरती है जो गोल आकार आप देख रहे हैं, और इसके ऑर्बिट, इसके चारों तरफ, इसके ध्रुव पर यह 23 दिन तक धरती के चक्कर काटता रहा है, इसके आसपास घूमता रहा है, और घूमने के बाद अब यह पहुंचा है चांद तक। तो आज का दिन बहुत ज्यादा इस ये ऑर्बिट में देखिए चक्कर लगाता रहा है यहां पर, और यही है वो ऑर्बिट। तो धरती के चक्कर काटने के दौरान 5 बार इस ऑर्बिट ने अपनी कक्षा बदली है, चांद के सफर पर जाने के लिए सही समय का इंतजार किया है। तो वो सही समय क्या था, जब हमारे इस, ये देखिए, ये सही समय था, चल दिया है चांद की तरफ, और ये चांद के अब ये ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। 20 अगस्त चांद की कक्षा में बहुत सफलता के साथ प्रवेश इसका हो गया था, और तब से लगातार जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा था वही परिक्रमा करते हुए लगातार चांद के करीब आता गया, और अब वो लम्हा आ गया है जो इतिहास रचने के करीब भारत खड़ा हुआ है। ये वो लम्हा है जब दुनिया भारत की शक्ति को, वैज्ञानिक शक्ति को, हमारे दमखम को और ज्यादा दृढ़ता के साथ हम पेश कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे, और दुनिया को मानना पड़ेगा। तो अब वो लम्हा वो दूर नहीं है, आज की रात जागने की रात है, क्योंकि आज की रात इतिहास बन रहा है। आज की रात भारत अंतरिक्ष में अपनी एक ऐसी धमक पैदा करने जा रहा है कि वो धमक को दुनिया मानेगी, और हम दुनिया के शक्तिशाली देशों को भी आज पीछे छोड़ेंगे, जो क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो इससे पहले दुनिया के 3 बड़े देश जो चांद पर पहुंचे हैं वो नहीं कर पाए। और ये वो दृश्य है, ये वो चांद का दृश्य है। हम आप फिर से वहां पर आएंगे जहां पर हमारा विक्रम, जिसे कि हम लैंडर नाम दिया है, वो लैंड करेगा, यानी कि विक्रम उतरेगा, और विक्रम के अंदर रोवर है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। 3 हिस्से हैं इसके, तो पहला हिस्सा अपना काम पूरा कर चुका है, दूसरे हिस्से को अब अपना काम करना है, दूसरे और तीसरे हिस्से को, सबसे अहम यहां पर काम जो है वो रोवर का है, लेकिन रोवर से पहले लैंडर का काम आता है। और देखिए, ये हम आ गए हैं, हम कोशिश करते हैं यहां पर उतरने की, और ये देखिए चांद पर हम आ गए हैं अब, और ये चांद कुछ इस तरह का होगा, चांद की सतह कुछ इस तरह से होगी, चांद की जमीन कुछ इस तरह से होगी। आज रात 1:00, या आप इसे कल रात कह सकते हैं, लेकिन रात कह लेते हैं, 1:40 पर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। ये देखिए, ये विक्रम है,
यह लैंडर विक्रम है और यह उतरेगा बहुत धीरे धीरे, यहां पर उतरेगा। यह 100 किलोमीटर दूर था ऊपर चांद से। 1:55 पे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उतरेगा और इसके अंदर से निकलेगा प्रज्ञान। प्रज्ञान यानी कि रोवर, और सबसे असली काम उस रोवर का होगा हम आपको दिखाएं कि किस तरह से यहां इस लैंडर विक्रम से निकलेगा प्रज्ञान। तो ये देखिए यहां पर आया, ये वो रोवर प्रज्ञान है। प्रज्ञान यहां धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलना शुरू करेगा और ये चांद पर तमाम तरह की 5:40 पर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलना शुरू करेगा। इसकी स्पीड काफी कम होगी क्योंकि ये बहुत ध्यान से चलेगा चांद की सतह पर। पहली बार कोई रोवर के बाद इस तरह से लैंडर से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान चलेगा। 5:40 पर चलना शुरू करेगा और उसके बाद इसे पता चलेगा कि चांद की सतह कैसी है। तमाम वो रहस्य जो सदियों से चांद को लेकर चले आ रहे थे, उन रहस्यों पर से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि क्या चांद पर पानी है, क्या चांद पर जीवन है। हालांकि चंद्रयान 1 में पानी की खोज हो चुकी है, लेकिन कितना पानी कहां पर है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव जो है सदर्न पोलर, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर हमेशा घना अंधेरा छाया रहता है और वहां पर बहुत ज्यादा छाया रहती है, मतलब वहां धुंधला है, दिखता कुछ नहीं है। अगर आप धरती से जब चंद्रमा को देखें तो आप ये देखिए इस तरह से, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए, हम आपको बताते हैं कि होगा क्या। धरती से अगर आप चंद्रमा को देखें तो आपको एक चंद्रमा का हिस्सा जो है वो काला दिखता है। अब लैंडिंग के बाद क्या होगा, पहला चरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से सतह पर चलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, प्रज्ञान की गति बहुत धीरे होगी, रोवर चांद की सतह पर घूमते हुए डाटा जमा करेगा और तरह तरह का डाटा होगा, जैसे कि हमने बताया पानी होगा या नहीं होगा। डाटा को प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम को ट्रांसफर करेगा, यह ट्रांसफर हो रहा है, देखिए यहीं से डाटा लेकर ट्रांसफर करेगा। लैंडर विक्रम डेटा को इसरो के कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि बेंगलुरु में नीचे, यहां जो इसरो का हेडक्वार्टर्स है वहां पर वो आ जाएगा। तो न सिर्फ पानी, खनिज, जीवन और आखिर अगर इतना ज्यादा घना यहां पर छाया अंधेरा छाया रहता है जो, तो वो क्या है, किस तरह की सतह है, खनिज कहां पर है, अगर पानी है तो पानी की मात्रा कितनी है। और यहां दोस्तों एक बात बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की धमक को जो सबसे ज्यादा दिखाती है वो ये कि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन दक्षिणी हिस्से में नहीं पहुंचे हैं, साउथ पोलर पर नहीं पहुंचे हैं, साउथ पोल पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर उतरेगा लैंडर विक्रम और जहां पर रहेगा रोवर प्रज्ञान। तो प्रज्ञान अब हमें लगातार यहां पर भेजना शुरू करेगा वहां की जानकारी, तस्वीरें। तो चांद के बाहरी वातावरण को भी ये स्कैन करेगा, नीचे यहां आसपास कितनी ठंड है, कितना टेम्परेचर है ये भी हमें पता चलेगा, सोलर रेडिएशन की तीव्रता कितनी है ये भी हमें पता चलेगा, खनिज और पानी की बात तो करेगा ही, भूकंप के आने का पता चलेगा, क्या चांद पर भी भूकंप आते हैं, क्या वहां पर भी झटके लगते हैं। सतह का नक्शा तैयार कर चांद के अस्तित्व और विकास के राज खोलेगा, क्योंकि अभी ये राज है, अभी सिर्फ राज है, हम कुछ नहीं जानते चांद के बारे में, चांद की सतह पर। लेकिन दुनिया में पहली बार भारत वो पहला देश होगा जिसने कारनामा किया होगा जो कि सदर्न पोल पर अपना ये लैंडर और रोवर दोनों उतारेगा। तो अब हम यहां पर होंगे, ये भारत की धमक है, ये भारत की शक्ति है, ये भारत के वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा कारनामा है जो वो करेंगे। तो चांद के उत्तरी ध्रुव के मुकाबले दक्षिणी ध्रुव ज्यादा विशाल है और ये ज्यादा बड़ा भी है, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यहां पर रोशनी बहुत कम होती है, अंधेरा छाया रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, जो कि धरती से हम देखते हैं तो एक हिस्सा हमें बिल्कुल काला नजर आता है अंधेरे की वजह से। यहां पर पानी ज्यादा हो सकता है, इस बात की संभावना है, लेकिन कितना पानी है और किस हिस्से में पानी है यह भी पता चलेगा। तो क्या यहां पर गड्ढे हैं, क्या यह सतह एकदम स्मूथ है, ये सब कुछ प्रज्ञान पता करेगा। तो जिंदगी के सबूत यहां पर क्या मिल सकते हैं, क्या आप और हम जाकर चांद पर बस सकते हैं, क्या हम वहां पर घर बसा सकते हैं, क्या हम जैसे धरती पर रहते हैं यहां रहते हैं, क्या हम वहां पर रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी खोज होगी। और ये खोज सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए होगी, दुनिया का लीडर भारत बनेगा और हम ये दुनिया को बता पाएंगे कि हाँ हम गए हैं दक्षिणी ध्रुव पर, गए हैं हम चांद पर और हमने इन सब चीजों का पता लगाया है, हमने इन सब संभावनाओं को हकीकत में बदलने में सफलता पाई है। भारतीय वैज्ञानिकों की, इसरो की यह बहुत बड़ी सफलता है, यह इतिहास है और इस इतिहास को बनते हुए देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज इस इतिहास के बनने के, चंद्रयान 2 के वहां पर पहुंचकर लैंडर रोवर यानी कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को वहां पर चांद पर उतार कर और वहां के हर राज को खोलने में भारत
विश्व का पहला अग्रणी देश बनकर अपना परचम लहराएगा। चलिए शुक्रिया सईद, फिलहाल बहुत खूबसूरती से रोहित के पास आपने और बहुत आसान तरीके से उस चीज को समझाया जिसको लेकर पूरे देश के लोग आज सुबह से जब से खबरें देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा रात में क्या होने वाला है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इन दिलचस्प ग्राफिक्स के जरिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ जो इन चीजों को बहुत गहराई से जानते हैं, हम आपके लिए रात भर का कवरेज आज लेकर आ रहे हैं। जी हां, अंजना उस स्पेस सेंटर में इसरो के मौजूद हैं जहां से ये इतिहास रचे जाने की शुरुआत हुई। सईद को आपने देखा, वो ग्राफिक्स के जरिए आपके गाइड बनेंगे और आपको बता रहे हैं कि क्या होने वाला है असल में। रात भर हमारे साथ रहिएगा इस कवरेज के लिए, लेकिन अभी हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज रात भारत के लिए सबसे बड़ी रात है और क्यों पूरी दुनिया आज टकटकी लगाकर न सिर्फ भारत की तरफ बल्कि चांद की तरफ भी देख रही है और कैसे भारत का मिशन मून यानी कि चंद्रयान 2 आज दुनिया भर में एक नया इतिहास रचने वाला। और मेरी सहयोगी अंजना कश्यप इस वक्त मौजूद हैं इसरो के स्पेस सेंटर जहां से लगातार कवरेज वो आपके लिए लेकर आ रही हैं और आज रात भर हम आपको बता रहे हैं और कल दिन में भी ये कवरेज लगातार चलेगी, एक एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन अंजना, दो चीजें जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, एक, क्या मिशन मून की तस्वीरें लगातार वहां से आती रहेंगी, जब ये लैंडिंग होगी संभव हो पाएगा, और दूसरा, आप तक वो खबरें कितनी देर में पहुंचेंगी जब ये पूरा मिशन असल में अंजाम तक पहुंच रहा होगा। देखिए, यहां पर आज तक है और वहां मिशन चांद तक है, तो आप समझ रहे हैं रोहित की दोनों में समन्वय बिठाने के लिए ही हम सीधे इसरो बेंगलुरु आए हैं। अब से कुछ ही देर बाद लगातार अब लोगों का अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, हमारे भी पासेस बन गए हैं, हम कुछ ही देर में अंदर पहुंच जाएंगे, सब कुछ वहां पर सामने दिख रहा होगा, जल्द से जल्द खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये सच है कि तस्वीरों के लिए ही सबको इंतजार है। अभी भी इसरो के एक दो साइंटिस्ट यहां से निकले थे, हालांकि जूनियर लेवल के थे, ज्यादा जानकारी वो अंदर के बारे में दे नहीं रहे, लेकिन लगातार ट्रैकिंग हो रही है, तस्वीरें आ रही हैं, जो तमाम कैमराज लगाए गए हैं, हालांकि उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि चांद की सतह पर या फिर जब रोवर वहां पर प्रज्ञान पहुंच जाए उसके बाद से जो सैंपल्स कलेक्ट करेगा या जो तस्वीरें भेजी जाएंगी उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक यही जानकारी मिली है कि 1:30 बजे के आसपास के बाद से हमें तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और इसी का इंतजार सबको है कि जब तस्वीरें आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वही सब कुछ मॉनिटर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मीडिया को वो कितनी देर में तस्वीरें देते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 9:15 बजे प्रधानमंत्री यहां पर लैंड कर चुके हैं, बताया जा रहा है 1:30 बजे के आसपास रोहित वो यहां पर पहुंचेंगे। 60 बच्चे उनके साथ हैं, जिसके साथ जानकारी खत्म कर रही हूं रोहित, 60 बच्चे जिन्होंने एक स्पेस क्विज में हिस्सा लिया और वो कुछ भूटान के भी बच्चे हैं, वो सब प्रधानमंत्री के साथ सोचेंगे। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वैज्ञानिक सोच बढ़े, शायद इन्हीं में से कोई बच्चा फिर देश का बड़ा वैज्ञानिक बने। विक्रम, जिनके नाम पर लैंडर है, विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कहा जाता है, उन्हीं की प्रेरणा से ये पूरा मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है कि हमने लैंडर का नाम विक्रम रखा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आप इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनिए, पिक्चर के साथ अपनी सेल्फी खींचिए और ट्वीट कीजिए, मैं उसको रीट्वीट करूंगा। तो ये जरिया है प्रधानमंत्री का लोगों को, मतलब बहुत कुछ इसरो के स्पेस रिसर्च सेंटर में भी हो रहा है, बहुत कुछ लोगों के घरों में भी होगा। आज तक के जरिए चांद तक का मिशन पूरा चलेगा पूरी रात। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। रात भर अंजना वहां मौजूद रहेंगी, रात भर ये लाइव टेलीकास्ट चलेगा, खास इंतजाम आज तक ने भी आपके लिए किए हैं इस कवरेज को और दिलचस्प बनाने के लिए। और चंद्रयान 2 जैसे ही चांद की सतह पर कदम रखेगा वैसे ही भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो चांद की सतह पर उतर चुके हैं। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा, इसके पहले अमेरिका, चीन और रूस ही चांद की सतह पर अपने रोवर या फिर लैंडर उतार पाए। लेकिन खास बात यह है कि भारत का चंद्रयान 2 मिशन बाकी तीनों देशों के मून मिशन से किफायती है और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कई गुना कम लागत में तैयार हुआ। चंद्रयान 2 मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपए है, जिसमें से 603 करोड़ रुपए चंद्रयान 2 और उसके अंतरिक्ष मिशन में खर्च हुए हैं और बाकी 375 करोड़ रुपए मिशन को लॉन्च करने की लागत के तौर पर किए गए, जिससे चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV MK3 रॉकेट का निर्माण हुआ। अब चंद्रयान 2 के खर्च की तुलना चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके
बाकी तीन देशों से करेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों ने इस तरह के मिशन पर कितना खर्चा किया। 2014 में अमेरिका के मून मिशन LDEE की कुल लागत 1919 करोड़ रुपए आई थी, जो चंद्रयान 2 से करीब 2 गुना ज्यादा थी। इसी साल जनवरी में चीन ने अपने चांग 4 मून मिशन के तहत चांद पर अपना जो लैंडर और रोवर उतारा था उस पर 5,759 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी चंद्रयान 2 से करीब 600% ज्यादा का खर्च था। ठीक इसी तरह रूस का 1966 का मून मिशन अगर आज की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो करीब 13,712 करोड़ रुपए की लागत का होता, यानी चंद्रयान 2 के खर्च से 1,400% ज्यादा खर्च। भारतीय मिशन इन तमाम देशों की तुलना में बेहद किफायती है और अद्वितीय भी, क्योंकि एक तो इतनी कम लागत और उस पर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग जहां आज तक दुनिया के किसी देश ने कदम नहीं रखा। वैसे आपको यह जानकर और ज्यादा हैरानी हो सकती है कि भारत का चंद्रयान 2 हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों की लागत से भी सस्ता है। 2014 में आई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर 1062 1,062 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। जी हां, चंद्रयान 2 इससे 84 करोड़ रुपए कम में चांद पर पहुंच गया। चंद्रयान 2 मिशन के खर्च की तुलना हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी से करें तो इस फिल्म पर 644 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि चंद्रयान 2 और उसके अंतरिक्ष मिशन की कीमत 603 करोड़ रुपए है। खुद विदेशी मीडिया कह रहा है कि हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिक्शन फिल्म एवेंजर्स एंडगेम का बजट 2,443 करोड़ रुपए में था। इतने बजट में भारत 2 बार चंद्रयान भेज सकता है और इसके बाद भी करीब 500 करोड़ रुपए बचा ले जाता। वैसे अब तो बॉलीवुड में भी महंगी फिल्मों का दौर चल रहा है। बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 रही, जिसका बजट 450 से 500 करोड़ रुपए के बीच बताया जाता है। यानी चंद्रयान 2 मिशन की कुल लागत ऐसी 2 फिल्मों की लागत के बराबर है। और सिर्फ फिल्में क्यों, चंद्रयान 2 का बजट तो गुजरात में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंचे देश के सबसे बड़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 3 गुना सस्ता है। इस स्टैच्यू को लगाने की कुल लागत 2,966 करोड़ रुपए आई। और अब महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के 192 मीटर स्टैच्यू का निर्माण करवा रही है, उसकी लागत भी करीब 3,636 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी चंद्रयान 2 की लागत से 5 गुना ज्यादा। मतलब चाहे अंतरिक्ष की दुनिया या फिल्मी दुनिया, खर्च के मामले में चंद्रयान 2 के सामने कोई नहीं है टक्कर में। मिशन चंद्रयान 2 की कमान 2 महिलाओं के हाथ में है। पहली है मुथैया वनीता, जो मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और दूसरी है ऋतु करिदर, जो चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर। मुथैया वनीता सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट हैं और चंद्रयान 2 मिशन से पहले भारत के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट कार्टोसेट 1 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। वनीता ओशनसैट 2 प्रोजेक्ट की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। पिछले 32 साल से इसरो के लिए काम कर रही मुथैया वनीता मंगलयान मिशन से भी जुड़ी रही है। चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर ऋतु करिदल मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर। उन्होंने चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के समय एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अक्सर यह कहा जाता है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, यानी पुरुष मंगल ग्रह से आते हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आती हैं, लेकिन मंगल अभियान की सफलता के बाद कई लोग महिला वैज्ञानिकों को मंगल की महिलाएं कहने लगे। 1997 से इसरो के साथ काम करी ऋतु करिदल को 2007 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से इसरो का प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला था। चंद्रयान 2 के मिशन की जिम्मेदारी सिर्फ इन 2 महिलाओं पर नहीं है, बल्कि इस मिशन को सफल बनाने में जुटी टीम में 30% महिलाएं हैं, यानी 1/3। इसके अलावा यह मिशन भारत की स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। देखिए, चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2007 में इसरो को साथ रशिया का रोसकॉस्मोस का एक MOU साइन हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था जो इसरो का साइंटिस्ट चंद्रयान 2 जो ऑर्बिटर प्रदक्षिणकारी जो यान और जो रोवर जो प्रज्ञान नाम के है वो बनाएगा, और रशिया लैंडर जो विक्रम अभी नाम हुआ है उसको बनाएगा। लेकिन 2013 का एंड तक रशिया ने बताया जो वो सक्षम नहीं है लैंडर सक्सेसफुली बनाने के लिए। उसके बाद दो तीन जो इंटरनेशनल एजेंसीज है स्पेस साइंस का, उन्होंने अप्रोच किया था इंडिया को टू बी ऑन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। लेकिन ये बड़ी बात है, इंडियन गवर्नमेंट इसरो साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स वो लोग डिसाइड किए थे जो अभी मेक इन इंडिया होगा। इंडियन साइंटिस्ट
दिखाएंगे जो हम सक्षम है सिर्फ चंद्रयान दो नहीं, सिर्फ एक प्रदक्षिणकारी जान नहीं, एक लैंडर भी बनाने के लिए। और इसीलिए लास्ट चार साल से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क या काम हुआ इसरो का जो डिफरेंट सैटेलाइट यूनिट्स में ये चंद्रयान दो को सक्सेस करने के लिए। 60 साल पहले 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक इसरो ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो उस वक्त किसी परिकथाओं से कम नहीं रही होंगी। लेकिन आज इसरो दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है, फिर चाहे चंद्रयान वन हो या मिशन मंगल और अब चंद्रयान टू। ऐसे में आज आपको हिंदुस्तान के अंतरिक्ष वाले सपनों के सफर पर भी एक नज़र जरूर डालनी चाहिए जो एक साइकिल के करियर पर रॉकेट लाद कर ले जाने से शुरू हुआ था। 21 नवंबर 1963 को केरल में तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा से पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। रोचक बात यह है कि उस रॉकेट को लॉन्च पैड तक एक साइकिल पर ले जाया गया था और उसे एक चर्च से लॉन्च किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की, जिसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में छलांग लगाना शुरू किया। 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने देश का अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और दुनिया को दिखाया कि वो भी स्पेस तकनीक में किसी से पीछे रहने वाले नहीं है। फिर 7 जून 1979 को भारत ने अपने पहले प्रायोगिक उपग्रह भास्कर 1 का सफल प्रक्षेपण किया। यह धरती की निगरानी करने वाला उपग्रह था। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने भारत के पहले स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 से रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। 17 मार्च 1988 को इसरो ने भारत की पहली रिमोट सेंसिंग तकनीक यानी अंतरिक्ष से धरती की गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च किया। 29 सितंबर 1997 को इसरो ने पहली बार PSLV यान को लॉन्च किया था, जिसमें IRS-1D सैटेलाइट। और यह तस्वीर अभी की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज रात वो इसरो के परिसर में मौजूद रहेंगे उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच और देश दुनिया से चुने गए 70 बच्चों के साथ आज वो इस लैंडिंग के गवाह बनेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं। ये येदियुरप्पा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये देश और दुनिया के लिए बेहद ऐतिहासिक लम्हा होगा और खासतौर पर भारत के अंतरिक्ष मिशन में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद मौजूद रहेंगे इसरो के परिसर में, जहां तमाम वैज्ञानिक आज दम साधे इस लैंडिंग का इंतजार और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने आखिरी 15 मिनट को, जिसमें विक्रम रोवर की लैंडिंग होगी चंद्रमा की सतह पर, चांद की सतह पर, उनको आतंक के 15 मिनट बताया। दम साधे भारत के वैज्ञानिक सांस रोककर उन 15 मिनट में इस रोवर की, इस लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग का इंतजार कर रहे होंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देश आज भारत के इस अंतरिक्ष मिशन की तरफ देख रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं बेंगलुरु में और वो मौजूद रहेंगे इसरो के परिसर में आज रात को इस लैंडिंग के दौरान वैज्ञानिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि पूरा देश उन पर कितना गर्व करता है। तो एक साइकिल पर लाद कर रॉकेट ले जाने से लेकर आज चंद्रयान 2 की लैंडिंग तक भारत ने अंतरिक्ष में कैसे कामयाबियां हासिल की हैं उसकी कहानी आज आपके लिए जानने का दिन है और इसके कुछ पहलू हम आपको और बताएंगे।
जो आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगे। इसलिए रहिएगा हमारे साथ, एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद खबरदार जाइए। आज सिर्फ 135 करोड़ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सलाम कर रही है और चंद्रयान 2 का गुणगान कर रही है। प्रसून जोशी ने चंद्रयान की शान में एक कविता लिखी है। चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगों युगों से सूत कातती अम्मा को आराम दिया। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, और ना कहेंगे चंदा को हम चंदा मामा दूर के। अभी ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज। तो खबरदार में आज के लिए इतने, लेकिन आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि आज रात भर आज तक पर कवरेज रहेगी चांद तक। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे सीधे इसरो के स्पेस सेंटर, जहां से अंजना आपको आगे की जानकारी देगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।